हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो मशीन है ये एक मार्बल कटर है जिसमें आप मार्बल टाइल वगैरह वुड वगैरह काट सकते हो। और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो रहा है मशीन बहुत जोर से आवाज़ कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें आपका मशीन तो अंदर से घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, बट बाहर से उसका हुईल जो भी आप हुईल यूज करोगे वो घूम ही नहीं रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। अगर उसको प्रेशर पड़ेगा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसमें मैं खोलने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि गियर प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा कैसे उसमें साउंड का प्रॉब्लम जो रहता है उसका सलूशन क्या है, कैसे उसको रिपेयर कर पाओगी और गियर कैसे रिप्लेस कर पाओगी उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, इस तरह से वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलता रहता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, आपका मशीन में अगर गियर खराब है तो ऑब्वियसली आपको ये करना है कि आगे वाला हिस्से को खोलना है। यहाँ पे मैं पीछे वाला जितने भी आर्मेचर के साइड खोल के देख चुका हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको आगे शेयर करूंगा। और यहाँ से आपको बेयरिंग होल्डर को निकालना है। यहाँ पे दो स्क्रू मिल जाएगा, सेम फॉर SBA। तो ये चैप्टर वर्ड ये पीछे से आपको SB और SA कैसे पता चलेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम सबसे पहले आप ये चेक कर सकते कीजिए कि गोल बॉडी है, अगर गोल बॉडी है वो सेम फॉर SBA ऐसे है, अगर चैप्टा बॉडी है सेम फॉर SBA, ये चैप्टा बॉडी है इसलिए इसको सेम फॉर SBA बोला जाता है। नॉर्मल आप लोग देखोगे तो यहाँ ओके कार्बन बेयरिंग होल्डर को ऐसे निकालना है आपको दोनों स्क्रू ड्राइवर से। अगर ऐसे भी नहीं निकल रहा है तो अंदर से गियर को पीट लीजिए, निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोशिश किया ये नहीं निकला, तो ये देखिए बहुत टाइट है। तो यह इसका सलूशन है, आप पीछे से जो गियर थोड़ा सा दिख रहा है यहां से पीट लीजिए। ओके तो ये देखिए ये निकल गया। वीडियो को थोड़ा स्पीड कर रहा हूं, सेम चीज आप अगर रिपेयर करो तो आसानी से रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए गियर खराब हो चुका है, पूरा ये गियर खा चुका है। तो इसके वजह से दोस्तों अंदर से आर्मेचर तो घूमता रहता है बट बाहर से उसका हुईल, अगर आर्मेचर देखिए आर्मेचर में पिनियन लगता है और पिनियन कनेक्ट रहता है गियर में, अगर गियर पिनियन खराब हो जाएगा वो कनेक्ट नहीं हो पाता, तो इसके वजह से आपका हुईल नहीं घूमता है, स्पिनल नहीं घूमेगा तो हुईल नहीं घूमेगा। यहाँ पे देखिए मैं उसका जो बेस प्लेट वो खराब हुआ था, तो इसलिए मैं उसका बेस प्लेट का उसका जो रोलर रहता है लॉक वो खराब हुआ है। ये देखिए मैं उसको रिपेयर करूंगा। सबसे पहले ये बेस प्लेट का ये देखिए थोड़ा बेंड हुआ है, इसको आपको सीधा करना है। अगर बेंड है तो आपका मशीन बेंड चलेगा, कोई भी काटने के लिए जाओगी तो वो बेंड तिरछा करता है, तो ये बेस प्लेट का प्रॉब्लम रहता है। तो वो अगर खराब है तो बेस प्लेट को चेंज कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे मैं पीट के सीधा कर रहा हूँ। देखिए तो मेजरमेंट जरूरी है, आप अगर मेजरमेंट कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं ये हो जाएगा, नहीं तो आप बेस प्लेट चेंज कर दीजिए। यहाँ पे बेस प्लेट में एक लॉक लगता है जिसको हम बोलते हैं रोलर लॉक, लेकिन इसमें मैं नॉट बोल्ट सिस्टम करूंगा। यहाँ पे देखिए नॉट बोल्ट सिस्टम यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे एक नॉट बोल्ट सिस्टम करके टाइट कर लूंगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोलर भी आप यूज कर सकते हो, मैं भी रोलर यूज करता हूँ, बट कस्टमर बोला कि भाई नॉट बोल्ट कर लो आसान हो, थोड़ा टाइट में भी वो कभी कभी ढीला हो जाता है। तो हम यहाँ से नॉट बोल्ट करने के बाद इसका जो मेन फैसिलिटी ये रहता है कि आप टाइट कर सकते हो। ऐसे ही इसमें मार्बल कटिंग होता है तो बेस प्लेट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब एडजस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, वो परफेक्ट होना चाहिए ये चीज। यहाँ पे देखिए नया गियर मैं यूज कर रहा हूँ सेम फॉर SBA, सेम फॉर का ऐसे का जो गियर है सेम फॉर SBA पे नहीं लगेगा और सेम फॉर SBA का ऐसे में नहीं लगेगा, सब अलग अलग रहता है। यहाँ पे मैं प्रेस मशीन में प्रेस करके खोल चुका हूँ, ये मेरा नया प्रेस मशीन है, मैं खुद बनाया हूँ। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बहुत जल्दी दे रहा हूँ। ओके ये गियर को खोलने के बाद नया गियर यहाँ पे प्रेस की तरह लगा लूंगा, ये देखिए तो ये मैनुअली मशीन है, ये हाइड्रोलिक जो जैक रहता है वो यूज नहीं किया हूँ, मैं मैनुअली जैक यूज किया हूँ क्योंकि मुझे हाइड्रोलिक जैक पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए मैं मैनुअली यूज कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा आसानी से आप मत पीटिए मशीन को, अगर पीटोगे तो बहुत दिक्कत करता है, तो अगर नहीं पीटना चाहते हो तो जैक जरूर बना लीजिए। हाइड्रोलिक जैक जो रहता है उसका एक स्पेशली वो स्टैंड होता है, वो आप प्रेस करके लगा सकते हो। अगर दोस्तों आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अंदर सब्सक्राइब बटन के पास में मोर के ऑप्शन आएगा वहां पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आपको, नहीं तो लिंक दे दूंगा आई बटन में, वहां पे जाके भी परचेस कर सकते हो।
ओके तो यहाँ पे मैं गियर को फिटिंग कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बेरिंग, वो बेरिंग आपको चेक करना पड़ेगा। बेरिंग तो खराब है, बेरिंग बहुत टाइम मार रहा था, बेरिंग खराब है। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि उसका जो बेरिंग होल्डर है वो रीयूज करने के लिए, अगर ये थ्रेड सही रहेगा तो मैं दोबारा भी यूज इसके यूज करा, क्योंकि ये खोल चुका है और मुझे जो लग रहा है इसमें उसका जो थ्रेड वो खराब हो चुका है। 6002 का इसमें बेरिंग लगता है, 6002 इसका बेरिंग का नंबर है और ये मैं बेरिंग यूज कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ से मैं नया जो बेरिंग होल्डर है वो भी यूज कर रहा हूँ, प्लस बेरिंग यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुराना बेरिंग होल्डर का थ्रेड खराब हो गया था, तो इसके वजह से मैं एक बेरिंग होल्डर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 6002 का बेरिंग जो है इसमें लगता है, तो इसको आपको प्रॉपरली फिटिंग करने के बाद, पीटने के बाद यहाँ पे ये जो थ्रेड है वो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, वो उल्टा रहता है, क्लॉकवाइज ये ढीला होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये टाइट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसको प्रॉपरली आपको टाइट करना है, टाइट नहीं करोगे तो बाद में ये ढीला हो सकता है, ढीला होने के बाद आपका गियर ऊपर उठ सकता है, बेरिंग खराब हो सकता है, स्पिंडल भी खराब हो सकता है, इसलिए आपको इसके ये जो थ्रेड है ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, इसको प्रॉपरली पूरा आपको टाइट करना है। यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में इस तरह से वीडियो मिलता रहता है पावर टूल्स का, और आगे भी कोशिश करूंगा फैन के ऊपर, ग्राइंडर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए। यहाँ पे मैं प्रेस मशीन में प्रेस कर लेता हूँ, तो इसको पूरा आपको प्रॉपरली फिटिंग करना है, या आप पीट के भी बिठा सकते हो, बट इसमें ये खराब हो सकता है, कुछ बेरिंग खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो इसलिए आपको प्रेस मशीन यूज करना है कोई भी चीज को फिटिंग करने के लिए। यहाँ पे मैं ग्रीस लगा के फिटिंग कर रहा हूँ दोबारा इसको, जैसे इसको ये फिटिंग हुआ था वैसे ही आपको फिटिंग करना है। अगर ऊपर नीचे गड़बड़ी होगा तो आपका मशीन खराब हो सकता है, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, और मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ आपको, मेरे वीडियो देख के आप बहुत सारा नॉलेज आप मिलता रहता है आपको, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी पेपर चाहिए मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट कर लेंगे आपको, मेरे जो वेबसाइट कर लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, technicalsystem.co.in आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। पूरा आपको टाइट करना है दोनों स्क्रू को, करंट चला गया था। ओके पूरा यहाँ पे टाइट कर लेना है और ये स्मूथली घूमना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो स्मूथली घूमना है। अभी दोस्तों इसमें लगाएंगे आर्मेचर, इससे पहले दोस्तों दोनों बेरिंग को चेक करना है, साउंड हो रहा था और ये टाल भी है, बेरिंग को आपको दोनों को चेंज करना है, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। अगर आप बेरिंग को टाल में छोड़ दोगे तो ये हिलता रहता है, और हिलेगा तो आपके आर्मेचर में टॉच होगा, कॉइल में टॉच होगा, आर्मेचर कॉइल में अगर आर्मेचर टॉच होगा तो हीट हो सकता है, हीट होके मशीन जल सकता है। अगर आपका ये भी नहीं होगा तो ये होता है कि कभी कभी बेरिंग टाल होने से वजह से आपका जो पिनियन, छोटा सा पिनियन, वो खराब हो सकता है, खराब होने के बाद आपका गियर खराब हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। कोई भी अगर आपका पावर टूल्स मशीन है, कोई भी थोड़ा सा टाल है तो दोनों को चेंज कर लीजिए, कस्टमर मानना चाहिए, अगर कस्टमर नहीं मानेगा वो अलग बात है, बट कस्टमर बोले कि आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करने के लिए करके देने के लिए जरूर कीजिए। यहाँ पे दोनों बेरिंग को मैं चेंज कर दिया हूँ, यहाँ पे 608 का ऊपर में बेरिंग लगेगा, 629 उसका ऊपर वाला फैन वाला बेरिंग है, 608 जो नीचे वाला कम्यूटेटर साइड का बेरिंग। ओके बराबर यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अभी इसका ये जो बेरिंग है ये भी थोड़ा टाल है, तो इसलिए इसको भी हम चेंज करेंगे, बेरिंग कूलर के माध्यम से इसको खोल लेता हूँ, और ये कूलर भी सही है, मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, ये पूरा कोई भी आप बेरिंग इसमें खोल सकते हो। तो यहाँ से
हमको इसमें एक नया बेरिंग लगाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी स्पेयर पार्ट्स जरूरत है, ये बेरिंग भी जरूरत है, मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो। मैं एक्स्ट्रा वर्क का बेरिंग लगा रहा हूँ, 629 इसका बेरिंग का नंबर। फैन के तरफ जो बेरिंग अभी मैं लगा रहा हूँ उसका नंबर है 629। नीचे जो बेरिंग मैं लगा चुका हूँ उसका नंबर है 629, 608 दोनों बेरिंग इसमें लगता है। और ऊपर में जो मैं बेरिंग चेंज किया हूँ वो 6002 तो यहाँ पे मैं पिनियन को नया पिनियन लगा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों गियर चेंज किया हूँ तो दोनों सेट आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पिनियन सही है गियर खराब है, मैं गियर चेंज करके पिनियन को रख लूंगा, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका गियर भी चेंज कर लोगी तो पिनियन के घाटी में गियर नहीं बिठेगा। पिनियन अगर चला है तो कंपल्सरी वो खाया होगा तो इसीलिए आपका साउंड आ सकता है। कुछ दिन के बाद वो गियर भी खराब हो जाएगा पिनियन के साथ, तो दोनों को साथ में चेंज करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मशीन में थोड़ा सा भी पिनियन खराब है या फिर आपको लग रहा है पूरा परफेक्ट है पिनियन तो भी आपको गियर खराब है तो आपको दोनों सेट साथ में मिलता है, दोनों को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं उसमें आर्मेचर फिटिंग करके उसका मोटर हाउसिंग फिटिंग करूँ। तो यहाँ से स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। तो अगर आपका कोई भी मशीन खराब है आप चाहे मैं रिपेयर करूं तो भी आप मेरे एड्रेस पे मशीन भेज सकते हो। वो आपको मेरे एड्रेस लिंक सॉरी आपको मेरे एड्रेस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्यादा जानकारी के लिए साइड में देगा नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं कार्बन यूज कर रहा हूँ, कार्बन लगा रहा हूँ। मैं एक नया कार्बन इसमें लगाऊंगा। ये कार्बन क्या है उसका छोटा सा स्पेयर भी चाहिए आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, बट कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। पेमेंट करोगे तो पार्सल हो जाएगा आपके एरिया से। कैश ऑन डिलीवरी के लिए ट्राई मत कीजिए, कभी भी मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया हूँ। जो ऑर्डर किए उनको उनका वही चीज जरूर मिलेगा, और बहुत लोग ऑर्डर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ भी जाता है इंडिया पोस्ट के थ्रू। आपको एक दिन के अंदर आपको एक या दो दिन के अंदर आपको उसका ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगा, आप ट्रैक भी कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं मशीन को चला लेता हूँ, देखता हूँ जो साउंड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है ओके, साउंड का प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे एक एबी वाशर के नीचे एक वाशर लगता है, यहाँ पे देखिए मैं ये वाशर दिया, अगर ये वाशर नहीं दोगी तो एबी वाशर देने के बाद ये टाइट हो जाएगा। स्क्रू टाइट कर लोगे तो आपका ब्लेड नहीं घूमेगा, तो ये वाशर इम्पोर्टेंट है, ये वाशर जरूरी है, वाशर दीजिएगा। सेम फॉर ऐसे में गियर और बेरिंग के सेंटर में वाशर लगता है, बट इसमें बेरिंग प्लस एबी वाशर के सेंटर में पतला सा वाशर लगता है। तो चैनल में जो उनको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में क्या जानकारी मिला कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।